हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से एटी क्लास स्वागत है। आज मैं बताऊंगा प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, क्लास टेंथ में है ये, 2010 में पूछा था। 12, 13, 16, 17, 18, 20, ठीक। तो 20 इतने में पूछा है, अब समझ लो आपकी बारी है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना, बहुत ही बारीकी से मैं समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं बताऊंगा प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि दोनों साइड में आना मुमकिन है, क्योंकि कॉपी इतना बड़ा नहीं है, तो मैं अलग अलग करके बताऊंगा। जैसे सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ प्रत्यावर्ती धारा, इसमें चार अंतर बताऊँगा। तो प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र से प्राप्त होता, किससे? प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र से प्राप्त होता है। ये तो पहला स्टेप हुआ, चार पॉइंट बताऊंगा मैं। इसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जा सकता है, इसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जा सकता है। इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? इसमें ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। और प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना, दिष्ट धारा की तुलना, देखिए फिर से, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक है, तुलना में अधिक खतरनाक है। समझ में आया क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा? दिष्ट धारा की तुलना में, मतलब प्रत्यावर्ती धारा बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अब प्रत्यावर्ती धारा के परिणाम लिखिए, अगला पॉइंट, प्रत्यावर्ती धारा के परिमाण, प्रत्यावर्ती धारा के परिमाण व दिशा, व दिशा समय के साथ क्या? समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक। ये क्लियर हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा के परिमाण समय के साथ व दिशा या समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक। तो चार पॉइंट सिर्फ बताया हूँ, और चारों पॉइंट इसमें भी बताएंगे, किसमें? दिष्ट धारा में। मैंने आपको प्रत्यावर्ती धारा बता दिया बहुत ही अच्छी तरीके से, अब बताऊँगा दिष्ट धारा, ठीक। दिष्ट धारा आपको क्या लिखना है, जैसे एक इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये एकदम सेम उल्टा उसका होता है, तो मैं दिष्ट धारा बताऊंगा। दिष्ट धारा में यह क्या होता है? यह प्राथमिक तथा द्वितीयक सेलों से प्राप्त होती है। लिखो, यह प्राथमिक तथा द्वितीयक सेलों से प्राप्त होते हैं। ये पहला पॉइंट हुआ कि यह प्राथमिक और द्वितीयक सेलों से प्राप्त होते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, यह इसमें दूसरा, इसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त नहीं कर सकते, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसमें ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा, इसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या है इसमें? ट्रांसफार्मर प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा देखेंगे, यह अपेक्षाकृत
कम खतरनाक होता है। किसके प्रत्यावर्ती धारा से ये कम खतरनाक होता है ना, यह लिख देंगे, यह प्रत्यावर्ती धारा से, प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होते हैं, कम खतरनाक होते हैं। क्या होता है, यह प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होते, कौन दिष्ट धारा कम खतरनाक होता है। और अगला और लास्ट है चौथा पॉइंट जो है, देखिएगा, दिष्ट धारा का परिमाण, दिष्ट धारा का परिमाण, दिष्ट धारा का परिमाण परिवर्तित हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। क्या होता है, दिष्ट धारा का परिमाण परिवर्तित हो सकता है किंतु दिशा निश्चित होती है। इसमें क्या होता है, दिशा निश्चित होता है और प्रत्यावर्ती धारा में निश्चित नहीं होता है, किंतु दिशा निश्चित होती है, निश्चित होती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह का वीडियो आपको अपलोड करके आपको बताया जाएगा और आपको सिखाया जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा। और मैं बता दूं, 10-10 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक पार्ट से इसे उठाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे, और आपको कई लोगों तक पहुँचाना है जो इससे वंचित है 80 क्लासेस से, ठीक है ना। तो 80 क्लासेस अब की बार 95 प्लस सबको फुड़ाना चाहता है, सबका आएगा, बस आपका मेरा साथ चाहिए। तो प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।